सबसे पहले सेल बनाने के बाद इसको अच्छी तरह चेक किया जाता है। अगर छोटा पैनल बनाना मकसूद हो तो उसको स्क्रैबर मशीन पर छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। सोल्डरिंग स्ट्रिप को वाटर कटर मशीन पर काटा जाता है। सोलर सेल की 1x1 टेस्ट टेबिंग की जाती है। इसके बाद सोलर सेल को सीरीज में जोड़ा जाता है। टेबिंग के बाद सोलर सेल की सीरीज को ग्लास पर रखकर असेंबली बनाई जाती है। असेंबली बनाने के बाद उसको टेस्ट करने के लिए असेंबली टेस्ट मशीन पर रखकर उसका ISC और VOC चेक किया जाता है। टेटलेड शीट को काटकर असेंबली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ EVA को भी काटकर रखा जाता है। टेम्पर्ड ग्लास पर सोलर पैनल की असेंबली रख दी जाती है। असेंबली मुकम्मल तैयार होने के बाद उसको सोलर लैमिनेटर पर रखा जाता है। सोलर पैनल को मशीन तैयार करने में तकरीबन 15 मिनट लगते हैं। एक वक्त में 4 सोलर पैनल तैयार हो सकते हैं। सोलर सेल तैयार होने के बाद इसकी एज कटिंग की जाती है। एज कटिंग के बाद पैनल की एफिशिएंसी चेक की जाती है। पैनल टेस्टर मशीन पर पैनल को चेक किया जाता है कि कहीं कोई क्रैक ना हो। ऑटो फ्रेमिंग मशीन पर सोलर पैनल को रखकर इसकी फ्रेमिंग की जाती है। मुकम्मल सोलर पैनल तैयार हो चुका है। हर मुल्क का अपना एक एनर्जी मिक्स होता है, जिसको बुरे कार लाते हुए वो अपने मुल्क की तवानाई की जरूरत को पूरा करता है। अब हमने ये देखना है कि हम अपनी कौन सी बेहतरीन सलाहियतों को बुरे कार लाते हैं और मुल्क को बढ़ते हुए तवानाई के बहरान से निजात दिलाते हैं।